दोस्तों बहुत से लोग ये स्टेटस लगाते हैं कि जिस पठान का भी राणा की तलवार से पड़ा पाला, राणा ने उसे घोड़े सहित चीर डाला। तो दोस्तों मैं इन अधूरे ज्ञान वालों को बता दूं कि जिस पठान को ये चीरने की बात कर रहे हैं, हल्दीघाटी के युद्ध में वही पठान महाराणा प्रताप की ओर से लड़ रहा था। जी हाँ दोस्तों, प्रताप का सबसे खास कमांडर एक पठान था जिसका नाम था हकीम का सूरी, और ये अपने 800 से 2000 साथियों के साथ महाराणा प्रताप की ओर से लड़ रहा था। और अगर फिर भी आपको यकीन न हो तो राजस्थान के उदयपुर में आप हकीम का सूरी का स्टेचू भी देख सकते हैं और अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि हल्दीघाटी का युद्ध कोई मजहबी युद्ध नहीं बल्कि एक सियासी युद्ध था, और इसमें दोनों पक्ष अपनी जगह बिल्कुल सही थे।